वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि समास के बारे में कुछ जो इंट्रोडक्शन था, समास ऐसे किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, समास के कितने विध हैं, समस्त पद क्या होता है, और तमाम चीज़ों को जो है मैंने डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग समास के भेदों को साधारणपूर्वक व्याख्या करेंगे, तो कृपया करके आप मेरे साथ बने रहें ताकि जो है आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसलिए जो है आज हम लोग समास के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो समास के भेदों को बारे में ज़्यादातर हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि समास के 6 भेद होते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से हम लिखेंगे समास। आप देखेंगे यहाँ पर समास। अब देखिए समास के भेद हम नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। आइए सबसे पहले हम तत्पुरुष समास जान लेते हैं। ये हो गया पहला भेद तत्पुरुष समास का। दूसरा भेद हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। और तीसरा भेद हमारा होगा, आप जैसा कि जान रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, तो पहला हमने लिखा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, और तीसरा हम लिखेंगे द्विगु समास। और चौथा भेद हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। पांचवा भेद हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और छठा भेद हमारा होगा अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से जो है हमने 6 समास जो होते हैं वो मैंने लिख दिया है। अब इसको हम एक एक करके इसका डेफिनेशन देखेंगे, और जो है एक लास्ट में जो है अपवाद में एक समास होता है, यहाँ हम लिख देते हैं अपवाद में एक समास होता है जिसको हम कहते हैं नए समास। यहाँ तक आपने देखा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल भी हम लेंगे। आइए तत्पुरुष समास के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है, यानी कि इसका परिभाषा होगा जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंतिम खंड प्रधान हो अर्थात कैसे। जैसे मान लीजिए राजमंत्री ने दंड दिया। यहां पर दंड देने का काम कौन कर रहा है, तो राजमंत्री कर रहा है। अतः मंत्री ही जो है प्रधान खंड है। मंत्री क्या है, प्रधान खंड है, क्योंकि राजमंत्री ने दंड दिया। तो अंतिम खंड आप यहां देख रहे हैं कि राजमंत्री में राजा का मंत्री, यानी कि कौन मंत्री, तो राजा का मंत्री, राजा के मंत्री ने जो है दंड देने का कार्य किया। तो ये आपने समझा। तो यहां पर अंतिम खंड, जैसा कि परिभाषा से बताया आपको कि जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो तत्पुरुष समास में जो है अंतिम खंड प्रधान होता है। यहाँ पर राजमंत्री, तो राजा का मंत्री, तो मंत्री हमारा क्या हुआ, अंतिम खंड हुआ, और इसी ने जो है दंड दिया। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। तो ये हमारा पहला नंबर समास था जो कि आपने जाना। अब दूसरा नंबर है कर्मधारय समास। ध्यान से पढ़ते जाइए हमारे साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसका परिभाषा जैसे कि हम लिख रहे हैं, जहां पर विशेष्य, ठीक है, उसके बाद विशेषण, ठीक है, विशेष्य विशेषण, और उपमा उपमेय, और
उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, देख रहे हैं उपमा उपमेय, ठीक है, का मेल हो, का मेल हो, वहां कर्मधारय समास होता है, वहां पर, वहां कर्मधारय समास होता है। ये आपने देखा कि यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो वहां क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास को आप देख सकते हैं यानी कि विशेष विशेषण यानी जो विशेषता बताए किसी चीज का या उपमा किसी का किया जाए, तो इस तरह का जब कहीं मेल होगा तो इसी चीज को हम कर्मधारय समास कहेंगे। आइए उदाहरण से इसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं इसको चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा के समान मुख, लेकिन कोई विशेष चीज को यह बता नहीं रहा है, तो सिर्फ ये उपमा बता रहा है कि किसी का भी हो सकता है चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विशेषण दिखा रहा है कि जो है चंद्रमा की तरह ही मुख, तो यहाँ पर ये हमारा समास जो हो गया कर्मधारय समास हुआ है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नील कमल, नील कमल यानी कि इसका मतलब ये हुआ नीला कमल, यानी कि नील कमल का मतलब क्या हुआ नीला कमल। तो नीला कमल कुछ भी हो सकता है, तो या किसी का नेम हो सकता है, लेकिन मेनली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि उपमा और उपमेय का मेल हो रहा है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं चरण कमल, चरण कमल, तो ये भी एक तरह का कर्मधारय समास है। याद रखिए विद्यार्थी को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कर्मधारय समास में और क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास में, तो इन चीजों को आप ढंग से समझ लीजिए कि कर्मधारय यानी कि कर्मधारय समास का मतलब ही ये हुआ कि जिसमें विशेष विशेषण हो रहा है लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं दिखाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि जो है बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, तो वहां पर आपको इसके लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना होगा कि या तो किसी का नाम तो यह नहीं है या तो क्या कहते हैं इसमें विशेष विशेषण तो नहीं है। तो जब कभी आपको विशेष या विशेषण दिखाई दे दे, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जब आपको कभी विशेष और विशेषण दिखाई दे दे तो उसको हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। जबकि तत्पुरुष समास का जो मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर आप देख रहे हैं और कर्मधारय समास का भी मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो तत्पुरुष समास जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि राजमंत्री ने दंड दिया, यहाँ पर राजमंत्री में मंत्री अंतिम खंड है, चूंकि राजा का मंत्री है तभी उसको दंड देने का अधिकार भी है, इसलिए जो है यहाँ पर मंत्री जो है अंतिम खंड है, इसलिए यह हमारा तत्पुरुष समास हुआ। और एक चीज आप भलीभांति जान लीजिए कि तत्पुरुष समास वह समास होगा जिसमें विभक्ति युक्त पद होगा, वैसे तो विभक्ति युक्त पद सभी में होगा ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप इसका अगर खंड भी कीजिएगा राजमंत्री यदि आप खंड करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजा का मंत्री, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर का है, तो का क्या है विभक्ति युक्त पद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि विभक्ति युक्त पदों के मेल को समास करते हैं, तो जब कभी विभक्ति आप देख लीजिएगा किसी पे तो वह हमारा क्या कहलाएगा समास कहलाएगा। तो इसलिए आपने देखा कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को मैं दूंगा, आप जो है इस चीज को पहले एक बार समझ लीजिए और उसके बाद जो है इसका हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट समास को लेकर बढ़ेंगे, तो चलिए नेक्स्ट समास को देखते हैं। अब हम लोग द्विगु समास को देखेंगे, द्विगु समास, तो द्विगु समास देखिए ये संस्कृत में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ढंग से याद रखिए। द्विगु समास, आखिर द्विगु समास कहते किसको है, तो द्विगु समास संस्कृत में कहा जाता है संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जो समास में ठीक है संख्या हो उसको यानी कि कोई भी समास है उसके पूर्व में संख्यावाची शब्द हो तभी उसको हम द्विगु समास कहेंगे। आप इसका परिभाषा इस प्रकार भी देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जिस सामासिक, सामासिक, जिस सामासिक शब्द, यहां पर आप देख लीजिए जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड, जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड क्या हो संख्यावाचक हो, खंड संख्या, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं द्विगु समास, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास यहाँ लिख रहे हैं द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड क्या होगा संख्यावाचक, यानी प्रथम खंड यदि संख्यावाचक हो जाए तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आखिर कौन कौन सा ऐसा शब्द होगा समासिक शब्द जिसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। अब देखिए त्रिनेत्र, अगर हम बात करें त्रिनेत्र उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर आप देखिए त्रि, त्रि का मतलब हुआ तीन, तीन नेत्र यानी संख्या आया यहाँ पर त्रिनेत्र, मतलब क्या हो गया तीन नेत्र। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर
चौराहा, चौराहा तो चौराहा का मतलब हुआ कि चार रास्ता, यानी कि एक जगह पर चार रास्ता है उसको हम कहेंगे चौराहा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि संख्यावाची शब्द आ रहा है चौराहा। उसके बाद एक और देखते हैं पंचामृत, पंचामृत तो पांच मतलब जो है अमृत, यानी किसी में चीज है तो अभी पूजा पाठ में जो है इसका यूज किया जाता है पंचामृत, ठीक है। तो पंचामृत यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पांच, तो यहाँ पर भी आप क्या है एक तरह से संख्यावाचक है। तो ये भी हमारा किस समाज के अंतर्गत आया, तो ये हमारा द्विगु समाज के अंतर्गत आया जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे देखिए कुछ और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अठन्नी, अठन्नी यानी आठ, आठ यहाँ पर देखें अठ अन्नी, अठ जो अन्नी अठन्नी, ठीक है। दुअन्नी ये सब कुल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है संख्यावाचक शब्द है। लेकिन देखिए कभी कभी कंफ्यूजन विद्यार्थी को हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है द्विगु समास ऐसा होता है जो कि एक तरह से बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आप तो या तो अगर संख्यावाचक देखिए तो आप द्विगु समास भी मार सकते हैं या तो बहुव्रीहि समास भी मार सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए जैसे दशानंद, दशानंद तो यहाँ पर देखिए आपका दस आ रहा है, दस जोर आनंद यानी जिसका जो आनंद होता है सर, तो जिसका सर दस हो तो सर दस है तो कौन सा हो गया, यहाँ रावण हो गया। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर क्या हो गया कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर दस तो दस मना हो गया कि संख्या और आनंद मना रावण, अर्थात दशानंद किसको कहा गया है तो रावण को कहा गया है। अब यहाँ विशेष अर्थ दे रहा है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बता रहा है, इसलिए इसको हम बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्यावाची शब्द है। तो इस तरह से आपने समझा कि द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास का जो है प्रथम खंड संख्यावाचक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि त्रिनेत्र, चौराहा, पंचामृत, अठन्नी, दशानन, ये सब भी कुछ एग्जांपल है द्विगु समास का। अब हम लोग द्वंद्व समास को लेकर चलते हैं। तो द्वंद्व समास देखिए क्या होता है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए आपको हर चीज समझ में आएगा, और आप जिस पर कहिएगा वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप देखते रहिए कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं। द्वंद्व समास यानी जिस समासिक शब्द के, यहाँ पर हम लिखेंगे जिस समासिक, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड, दोनों खंड, दोनों खंड प्रधान हो, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो। देखिए चूंकि यहाँ पर सादा शोरगुल हो रहा है हमारा घर, चूंकि जो है बगल में है रोड है, इसलिए सादा आवाज जाएगा, तो इसके लिए माफ कीजिएगा हमें। तो जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो उसे हम जो है क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यहां तक आपने देखा कि जिस समासिक शब्द का, यानी कि जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो, यानी प्रथम खंड और अंतिम खंड दोनों खंड जब प्रधान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं हम यहां लिख रहे हैं जैसे लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। तो एक चीज तो आप भली भांति समझ लीजिए, जब कभी हाइफन आप बीच में देख लीजिएगा तो वहां भी आप कह सकते हैं कि यह द्वंद्व समास होगा। ये इसका समझने का एक सबसे आसान टेक्निक है कि जब हाइफन दे दे बीच में तो लोटा डोरी। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए भात और दाल, यहाँ भी देख रहे हैं आप हाइफन है, तो हाइफन जब दिया कहीं पर तो उसको हम क्या कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो ये आप देख रहे हैं बार बार कि हर जगह क्या हो रहा है हाइफन आ रहा है। तो इस तरह से हाइफन अगर दिया है बीच में तो आप वहां पर आसानी से समझ सकते हैं यह द्वंद्व समास है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा घुमाने फिराने के लिए दे देता है तो वहां पर जो है समस्या हो जाता है द्वंद्व समास में। विद्यार्थी को समास मतलब इतना जटिल है, ये समास देख रहे हैं जो ये इतना जटिल है कि समझ में जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसको पूरा पूरा तो कहीं भी आप नहीं समझ पाइएगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जान रहे हैं तो समास में हमको लगता है कि आप आराम से हल कर लीजिएगा। एक आध जगह कहीं कहीं मिस्टेक होगा अलग बात है, वो चीज आपको हम क्या कोई मास्टर या कोई टीचर क्लियर नहीं कर पाएगा समास के लिए। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप इसका पूरा भेद समझ लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जान लेते हैं तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप समाज में जो है अगर 10 क्वेश्चन होगा तो उसमें से आप 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दीजिएगा। मूल मूल चीजों को आप समझिए, हम यहां पर आपको मूल चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां आपने देखा कि राधा कृष्ण हो गया, ठीक है। अब इस तरह का कुछ और समास देता है जो एक ही में जो है मिला देता है लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता है कि वह समास कौन सा हुआ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल हम प्रस्तुत कर देंगे आगे, अगर आपको इसमें जिज्ञासा है या जानने की इच्छा है तो हम और भी इन चीजों को मतलब बहुत ही सरल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर तो हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये समास होता क्या है और समास में इसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ हम लोग हिंदी व्याकरण में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इस तरह से जो है आपने द्विगु समास क्या होता है ये जाना, द्वंद्व समास क्या होता है ये जाना, और इसका लास्ट में हम ओवरव्यू भी दे देंगे कि जो है समास का मूल मूल चीज क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट समास को देखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज को हम देखते हैं। तो आज यहाँ पर देख ही रहे हैं आप स्पष्ट रूप से, चलिए अब नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है। अब इसके बारे में सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए, बहुव्रीहि समास का क्या परिभाषा होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखते जाइए, यानी कि जिस समासिक, जिस समासिक, जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड, कोई भी खंड
जो है प्रधान नहीं हो, कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, प्रधान नहीं हो, ठीक है, बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर, यहां पर हम लिखेंगे बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर, ठीक है, बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, ठीक है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम बहुव्रीहि समास कहते हैं उसे। यहां हम लिखेंगे बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए हम आपको एक एक चीज को लिख लिख कर समझा रहे हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आखिर हमारा समास होता क्या है, समास कहते किसको है। तो यहाँ पर आप परिभाषा से देख रहे हैं कि जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, यानी कि जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, बल्कि सामान्य अर्थ को भी छोड़कर, यानी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए, यानी कि सामान्य अर्थ आप जो है उस चीज का मतलब नहीं होगा बल्कि विशेष अर्थ होगा, ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुव्रीहि समास कहते किसको है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर यानी कि लंबोदर का मतलब क्या हुआ? लंब जोर उदर, यानी कि जिसका उदर बना होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो उसको हम कहेंगे लंबोदर, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पेट किसका लंबा होगा? तो पेट लंबा होगा गणेश जी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामान्य अर्थ जो है बता नहीं रहा है बल्कि विशेष अर्थ बता रहा है, इसलिए जो है इसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप देखिए दूसरा है कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, यहाँ देखिए आप चंद्रशेखर, यहाँ पर हम लिख दिए चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर यानी कि शेखर मना होता है सर, यानी जिसके माथे पर क्या हो? चंद्रमा हो। तो अब आप दिमाग लगाइए किसके माथे पर चंद्रमा होगा। सिंपल सी बात है कि चंद्रशेखर है तो शिवजी के माथे पर आप देख रहे हैं चंद्रमा विराजमान है, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो समास यहाँ पर परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बता रहा है, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कंफ्यूजन है, फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुज यानी कि चार भुजा है ना, तो ये आप यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह जो है हमारा क्या कहते हैं द्वंद्व समास नहीं द्विगु समास है, या तो बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे कि चतुर्भुज कौन सा समास होगा तो आप वहां पर अगर बहुव्रीहि दिया रहे बहुव्रीहि मान सकते हैं, या तो आप द्विगु द्विगु मान सकते हैं, सॉरी। तो इस तरह से आपने समझा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज किसका हुआ? जिसका हो चार भुजा, तो किसका होगा चार भुजा? तो विष्णु जी का आपने देखा है कि चार भुजा होता है, तो वे हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर दोनों अर्थ में हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है और हमारा क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल और देखिए चक्रधारी, चक्रधारी यानी कि चक्र को धारण करने वाला, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विष्णु जी हो गया। इसी प्रकार एक और देखते हैं बिना पानी, बिना पानी, देखिए बिना मना होता है बिना, जो आप जान रहे हैं बजाने वाला, और पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है, यहाँ पर पानी सही नहीं है बल्कि ये वाला होगा पानी, तो बिना पानी, तो बिना पानी का मतलब हो गया जिसके हाथ में बिना हो, तो किसके हाथ में बिना है? तो माता सरस्वती के हाथ में बिना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। आपने समझा कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हम लोग देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं कि जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक शब्द का, यहाँ हम लिख रहे हैं जिस समासिक शब्द का, समासिक, जिस समासिक शब्द का, ठीक है, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी कि जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, समास कहलाता है। अब देखिए कि अव्ययी भाव यानी कि अगर किसी भी समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय हो जाए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अव्यय क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा दूसरे वीडियो में डिस्कस कर देंगे, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लीजिए अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जिसका किसी भी यानी काल पुरुष वचन में जो है चिन्ह मतलब मान नहीं बदले, ठीक है, उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आगे, ठीक है, पीछे, ये हमारा क्या हो गया? अव्यय हुआ, ठीक है। उसके बाद दिन रात, यानी कि ये किसी भी चीज में जो है बदलेगा नहीं। यहाँ पर आप आगे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरह से क्या कहते हैं द्वंद्व समास हो गया क्योंकि हाइफन लगा है बीच में, ठीक है, लेकिन इसको भी अव्यय कहते हैं, यानी कि प्रति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा प्रति, प्रति यथा
उसके बाद तथा, ये सब भी अव्यय हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो जब यदि ये चीज लगा रहे, अब उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका होगा। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए, आप यहाँ लिख देते हैं जैसे में यथा शक्ति तथा भक्ति। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यथा शक्ति यानी जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो यथा तथा ये सब लगा रहे, उसके बाद प्रति लगा रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन यानी प्रति आगे में देख रहे हैं यहाँ प्रति लगा हुआ है। इसी प्रकार और आप देख सकते हैं प्रतिफल, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिफल। तो ये सब जो हमारा हुआ इसी को हम अव्ययी भाव समास करते हैं। तो आपने देखा कि समास का 6 भेद जो मैंने बताया कि जो है कौन कौन से हैं, ताकि आपको कुछ मदद मिले इसमें, क्योंकि पूरा पूरा अगर आप समास समझिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसे थोड़ा थोड़ा आप समझिए, ठीक है, और धीरे धीरे समझ लीजिएगा तो आपको समास में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग एक लास्ट जो है समास, नए समास, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, आपने देखा यहाँ पर कि जो है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास क्या हुआ। अब आगे हम लोग नए समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नए समास, अब लास्ट हमारा समास जो है वो क्या है, नए समास है। अब नए समास के बारे में ये अपवाद है, इस चीज को आप जानिए। मूल रूप से समास 6 भेद होते हैं और वैसे 4 भी भेद होते हैं, 2 अतिरिक्त है, ठीक है। तो नए समास आप देखिए कि नए समास क्या होता है। तो नए से स्पष्ट हो रहा है नए, नौ का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसका परिभाषा इस प्रकार हो जाएगा, निषेध मतलब अगर कोई चीज आपको करने के लिए कहा जा रहा है तो आप कीजिए, अगर नहीं कहा जा रहा है तो नहीं कीजिए। निषेध इसका मतलब हुआ, निषेध या अभाव, ठीक है, निषेध या अभाव, समझ रहे हैं। आदि अर्थ में यहाँ पर लिख देते हैं अर्थ में, यानी कि निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब प्रथम पद अन और नौ, ठीक है, और आदि हो या और ना आदि हो और यहाँ पर लिख देते हैं ना आदि हो, ठीक है। तो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो तो नए समास कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नए समास कहलाता है। ये आपने देखा यहां पर कि नए समास किसको कहते हैं, इसका परिभाषा आपने देख लिया। अब हम लोग नए समास का कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए नए समास का उदाहरण क्या होगा, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं जैसे अभाव। देखिए आ का मतलब हुआ यहां पर ना, ठीक है, तो अभाव यानी किसी चीज की कमी, ठीक है, यहाँ पर किसी चीज की क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि नौ का अर्थ स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि अगर हमारे पास बहुत कुछ है और नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये चीज का अभाव है, यानी कि हमारे पास वो चीज नहीं है, यानी कि यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना का, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ना का यहाँ अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नए समास हो गया। इसी प्रकार एक और देखते हैं, अनंत में मतलब क्या हो गया, जिसका कोई अंत नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, ठीक है। अनंत यानी कि चलते जाओ कभी अंत नहीं हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनंत। तो नौ अंत यहां भी आप देख रहे हैं कि नौ का आ रहा है, अंत ना हो तो इसको हम अनंत कहेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए कि अनजान होना क्या हुआ, जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम क्या करते हैं, जान ही नहीं रहे, अनजान, जिसको ना जानते हैं हम, उसको हम क्या कहेंगे, अनजान कहेंगे। तो इस तरह का जो समास होगा इसी को हम नए समास कहेंगे। और एक एग्जांपल और देखिए, अभय यानी कि जिसके पास कोई भय ही नहीं हो, अभय, अ मतलब नौ भय मतलब अभय, ठीक है। इसी प्रकार अन्याय यहाँ पर हम लिख रहे हैं अन्याय यानी कि न्याय नहीं मिल रहा है जिसको, उसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो यह कौन सा समास होगा, नए समास हो जाएगा, ठीक है। अब है एक और एग्जाम्पल, इसी प्रकार देख लीजिए कि समझ और ना समझ में अंतर देखिए क्या है, जो व्यक्ति समझ रखता है उसको हम समझदार व्यक्ति कहते हैं, और जो व्यक्ति समझ ही नहीं है तो ना समझ। तो इस तरह का एग्जांपल जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये समास हमारा क्या कहलाएगा, नए समास। इस तरह से हमने जो है समास का पहले वीडियो में जो है पार्ट वन में कुछ जो है बताया था उसके बारे में, समास होता क्या है, और उसके बाद उसका जो भेद था उसको मैं डिस्कस कर दिया आपके सामने में, जो जो चीज इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया आपको।
अब कुछ एग्जांपल है, यदि आपसे पूछा जाए आप स्वयं बना सकते हैं। समास किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, इसका मैंने पहले वीडियो बता दिया है। उसके बाद समासिक शब्द किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया है। समास विग्रह का क्या अर्थ होता है ये समझाइए, ये भी बताए थे हमने कि समास विग्रह क्या होता है। उसके बाद समास के कितने भेद हैं उदाहरण के लिए लिखिए। कुछ एग्जाम्पल आपको मिल सकता है समास से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए राजमंत्री कौन सा समास हुआ, महाराज कौन सा समास हुआ, गंगा जल कौन सा समास हुआ। तो इस तरह का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने डिस्कस कर दिया है और आप जो है उसको देख भी सकते हैं हमारे वीडियो में। और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपको इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि समास बहुत ही एक कम्प्लेक्स थिंग्स है। तो इसलिए जो है मैंने आपको मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इससे संबंधित वो मैंने बता दिया है। तो आज जो है आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम प्रतिदिन बना रहे हैं और आपको प्रतिदिन इस चीज़ का वीडियो मिलता ही रहेगा। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और लाइक शेयर वगैरह सब भी कीजिए, ताकि अन्य को भी बेनिफिट हो। और मैं चूंकि प्रतिदिन समय प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपको जो है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।